अब देखो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोला लिटी। देखो यहाँ पे पहले मोस्ट फाइंड किया, अब उसके बाद हमने देखा क्या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोला लिटी। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोला लिटी। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले मोला लिटी कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था। मोला लिटी को डिनोट कैसे करते हैं बेटा, तो मोला लिटी डिनोटेड बाई स्मॉल एम, इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बेटा मोलालिटी को। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा देखो यहाँ पे एक बार फिर से, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो चलो यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फाइंड दी मोलालिटी ऑफ थ्री मोल्स ऑफ NaCl। इट डिजॉल्विंग वन लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन वन लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन वन लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड द मोलालिटी ऑफ थ्री मोल्स ऑफ NaCl इफ इट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है बेटा देखो इधर, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थ्री मोल्स ऑफ NaCl। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मोल्स दिया है, मोल्स हमको निकालने की जरूरत नहीं है। मोल्स एक क्वेश्चन में आसानी कर दिया है, क्वेश्चन है मोस्ट दे दिया, तो मोस्ट सबको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पे मास ऑफ, ध्यान देखना, मास ऑफ थ्री मोल्स ऑफ NaCl, सबसे पहले क्या देखें बेटा मास ऑफ थ्री मोल्स ऑफ NaCl। तो देखो थ्री मोल्स NaCl का मास पता करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि वन मोल ऑफ NaCl का मास कितना होगा। तो चेक कर लो पहले आप सोडियम का मास कितना होता है बेटा, सोडियम का होता है आपका कितना 23 एंड क्लोरीन का कितना होता है आपका 35.5, तो 5.8 एंड ये कितना हो जाएगा 58.5। तो ये एक मोल का हो गया NaCl का मास। तो थ्री मोल्स के लिए क्या करेंगे यार, थ्री मोल्स के लिए मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दो, देखो कितना आता है, चेक करो कितना आता है 58.5 मल्टीप्लाई बाई थ्री, चेक करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 175.5, 175 कितना आ जाएगा 175.5 ग्राम आ गया, यानी कि थ्री मोल का मास आ गया था। ठीक है ना, चलो कैलकुलेशन आप करोगे, वैसे मैं भी एक बार कैलकुलेशन देख ही ले रहा हूँ फाइनल, तो कितना आ जाएगा 175.5 ग्राम आ गया। ठीक है अब देखो यहाँ पे ये तो क्या, अब देखो NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है,
तो सॉल्यूट का मास हमने फाइंड कर लिया, अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, अब हमको देखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास फाइंड करना है। तो सॉल्यूट का मास हम लोग फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन का मास हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो सॉल्यूट तो अपने आप निकल, सॉल्वेंट तो अपने आप निकल जाएगा नहीं बताओ। पहले हमने क्या फाइंड किया, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, NaCl थ्री मोल्स, और उसके बाद हम क्या फाइंड करने वाले हैं अभी, तो अभी हम फाइंड करेंगे बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू डी, बोलो है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 1000 एमएल लेंगे बेटा, बोलो हाँ है ना, क्यों लेंगे हम, क्योंकि 1 लीटर बोला है साथ देखो क्वेश्चन में, तो ये कितना है हमारा 1 लीटर, मल्टीप्लाई करो डेंसिटी से 1.25, कितना जाएगा 1250 ग्राम आ गया। और इसको अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट मत करो, पहले भी ग्राम में लेना, कितना आएगा 1250 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, चेक करो आप कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना है 1250। तो क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे, बताओ माइनस सॉल्यूशन का मास कितना है, बताओ 1250 माइनस कितना करेंगे हम 175.5 ग्राम। चलो बताओ कितना आता है, जल्दी से माइनस करो, जल्दी से बताओ बेटा कितना आता है, इलेवन हंड्रेड समथिंग कुछ आएगा, चेक करो कितना आता है, यह आएगा आपका 10 से 1100 के कितना है, अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा, एक्सप्रोक्सीमेटली करेक्टली वैल्यू आएगा 1074.5 ग्राम। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर दो, कितना डिवाइड कर दो 1000 से डिवाइड कर दो, क्यों भाई, क्योंकि लीटर में बोला है ना, क्या बोला क्वेश्चन में, क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो हमने मास फाइंड कर लिया, डिवाइड कर दो 1000 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने में कितना आएगा 1.075 आ गया था इसका। चलो तो ये क्या निकल गया बेटा, ये हमारा निकल गया क्या, ये निकल गया हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको क्या काम करना है कि अब आपको डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, तो देखो तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितना दिया हुआ है 3 ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम, कितना आता है किलोग्राम मास, तो 1.0745 कितना इससे हो जाएगा, लगभग 2.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एम, चेक कर लो ऐसे, आप रीचेक कर लो एक बार, चेक करो सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा।
तो आई होप हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा बेटा, कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहे हैं तो सबसे पहले मोस्ट का मार्क, पहले मोस्ट अगर दिया हुआ बेटा, और नहीं दिया तो जैसे पता है आपको मोस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, अगर मोस्ट दिया हुआ है तो मोस्ट दिया तो बहुत आसान है यार, मोस्ट थ्री मोस्ट पहले से दिया हुआ है, तो हमको जो भी प्रोसेस करना है किसका करना है, मास और सॉलिड इन किलोग्राम के लिए करना है। चलो तो एक और मिसल देख लेते हैं, इसको देख लो जल्दी से। तो पहले हमने क्या किया, थ्री मोस्ट है इसके अंदर मास फाइंड कर लिया, हमारा मास क्या निकल गया, सॉलिड निकल गया। फिर हमने मास और सॉल्यूशन फाइंड किया वॉल्यूम टू डेंसिटी से, तो क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया 1.2125 ग्राम। मास ऑफ सॉलिड किया हमने क्या किया, सॉल्यूशन माइनस सॉलिड किया मास, तो कितना गया 1250 माइनस 175.5 ग्राम, कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 1074.5 डिवाइडेड बाय 1000 किया, तुम्हारा आ गया एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी का, तो चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें पे क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये बोला है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 2.5 मोल्स, क्या 2.5 मोल्स, देखो इसमें मोल्स दिया हुआ है, ऑफ फ्लैक लाइन, क्या फ्लैक लाइन डिसॉल्व इन वाटर। तो देखो डिसॉल्व इन वाटर बोला है यहाँ पे, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी हम देखो अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर डेंसिटी नहीं दिया तो खुद से हम कितना वन कंसिडर करते हैं, कितना कंसिडर करते हैं, वन फॉर वन लीटर, जिसकी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था डेंसिटी दिया हुआ था, तो डेंसिटी को हमने क्या किया वहां पे वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट करने, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में, तो हमने क्या किया वहां पे मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया रहता है, तो अगर डेंसिटी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे वहां पे, हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, हम वहां पे वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, आसान है, मोस्ट इसमें भी दिया हुआ है, चलो जो भी प्रोसेस करना है हमको आगे करना है। देखो तो पहले हम वन मोल का मास फाइंड करते हैं, किसका, स्लैक लाइन, स्लैक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैक लाइन का फॉर्मूला बेटा CaOH होल्ड बाय, ठीक है, कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले वन मोल का फाइंड करो, तो कैल्शियम का मास होता है 40, सबको पता है, दो ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा 32, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास आपका होता है बेटा कितना, तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16, टू का कितना हो जाएगा 32 प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 74, तो एक का मास हो गया 74 मोल का, 2.5 के लिए क्या करना है, तो 74 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो लिखो क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखो आगे इसमें इस क्वेश्चन में, तो
mass of 2.5 moles of CaOH whole twice. कितना बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 74 बताओ कितना आता है, जो आ जाएगा वो हमारा सॉल्यूट आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी से, इसका वैल्यू आएगा 185 ग्राम। लिख लो बेटा 185 ग्राम का क्या आ गया, इसका आ गया मास। अब हम क्या करेंगे बताओ, 185 ग्राम आ गया, ये मोल्स का मास निकल गया, ये सॉल्यूट का मास निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले वाले क्वेश्चन जितना ही बेटा कितना आ जाएगा बताओ सॉल्यूशन के लिए, तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूम कितना दिया यहाँ पे 1 लीटर 1000 ml, इनटू डेंसिटी कितना लेंगे 1, कितना हो रहा यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो रहा यहाँ पे 1000 ग्राम, ये आ गया 1000 ग्राम। क्या आ गया बेटा ये हमारा आ गया यहाँ पे क्या, तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको फिर से क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या करो बताओ, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट मास। सॉल्यूशन का कितना है 1000 रिजल्ट है आपका, माइनस सॉल्यूट कितना है 185 ग्राम, करो माइनस बताओ कितना आता है, देखो करके कितना आता है बेटा। जो आएगा वैल्यू कितना आएगा 815, ये ग्राम में आ गया इसका वैल्यू, जो वैल्यू आया इसका ग्राम में। अब हमको क्या करना है बताओ, तो जो इसका वैल्यू ग्राम में आया बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है मोलरिटी के, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम के लिए क्या करना है हमको 1000 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1000 से जो आएगा क्या आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा। एच वॉल फाइंड कर लो, मोस्ट पता है ही पहले से हमको, ये किलोग्राम में आ गया वैल्यू, बोलो है ना, क्या करो 2.5 जो मोल दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम कितना है 0.815 डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा, चेक कर बताओ कितना आएगा। अप्रॉक्सिमेट इसका वैल्यू बेटा 3 आएगा, 3 आएगा इसका वैल्यू अप्रॉक्स। चेक करो सभी स्टूडेंट, जल्दी से लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट इसका। तो देखो ये हमेशा ध्यान रखना, एक बार अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया ना तो मिरेकल्स बनाना आसान है, डिफिकल्ट नहीं होता। चलो ठीक है, अभी हमने इस लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलारिटी, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलारिटी।
तो मोलारिटी मोलारिटी हो गया। अब लेक्चर नंबर थर्ड में हम क्या देंगे बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। चलो ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही। आई के ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।